देखो ये है क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 9, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन इसका नाम है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ, इंट्रोडक्शन टू फोर्स। फोर्स होता क्या है? ए फोर्स इज एन एफर्ट दैट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और एट मोशन। मतलब कोई आदमी अगर चल रहा है कोई चीज, तो फोर्स उस पर लगाएंगे तो वो रुक सकता है, या कोई चीज रुका हुआ है उस पर धक्का देंगे तो वो क्या होगा, चलने लगेगा। समझे ना, चलने लगेगा। तो इसी चीज को बोलते हैं कि द फोर्स इज एन एफर्ट दैट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और एट मोशन। इट कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट्स डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। मतलब कोई आदमी अगर जा रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर दिए, समझ गए, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दिया, वो इस डायरेक्शन की ओर बढ़ गया, तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, वेलोसिटी भी चेंज कर सकता है। कोई ज्यादा स्पीड से जा रहा है, आगे से कोई ब्रेकर आ गया तो स्पीड कम हो जाता है, तो वेलोसिटी भी चेंज हो सकता है। फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, मान लो कि एक केक है, उसको छुरी से दबाते हैं ना, तो उस पर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है कि नहीं, कट जाता है कि नहीं। उसी तरह से हर एक चीज पे फोर्स अप्लाई करोगे तो उसका शेप भी चेंज हो सकता है। तो ये आपका फोर्स का डेफिनेशन है, समझ गए। फोर्स लगने पे क्या क्या होगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है कि जो चीज खड़ा है उसको फोर्स लगने पे वो मूव करने लगेगा। फोर्स स्टॉप ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग, और जो चीज चल रहा है फोर्स लगने के बाद वो रुक जाएगा। फोर्स चेंज द शेप ऑफ बॉडी। शेप बताइए कि ये कैसे चेंज होता है। कोई प्लास्टिक का बल्ब है, उसको एक मुक्का मारो टेबल पर रख के, वो पचक जाएगा, तो क्या हो गया, शेप उसका चेंज हो गया। फोर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन भी फोर्स के कारण चेंज हो जाता है। हम लोग क्लाइमेट पढ़ रहे थे, उसमें देख रहे थे ना, एयर का डायरेक्शन फोर्स के कारण चेंज हो रहा था, समझे कि नहीं। तो ये हो गया फोर्स का डेफिनेशन, और ये हो गया इफेक्ट ऑफ फोर्स। किसी चीज को धक्का लगाना, पुश इज डिफाइंड एज एन एक्शन ऑफ फोर्स विच काउज एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम इट्स प्लेस। धक्का लगाने के बाद क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अपने स्थान से हिल डोल करके मूव करने लगता है। पुश धक्का लगाने का क्या एग्जाम्पल है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर। डोर को जब हम लोग खोलते हैं या बंद करते हैं उसको पुश बोलते हैं। पुशिंग द टेबल, टेबल को धक्का लगा सकते हैं। पुशिंग ए कार, कार को ठेल सकते हैं। पुशिंग द थंब पिन, स्टेपलर पिन, वॉकिंग, चलना, पैदल हम लोग चलते हैं तो प्रेशर किस पे लगाते हैं, रोड पे, तब आगे हम लोग मूव करते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल है। पुश और पुल में देखिए क्या क्या डिफरेंस आपका हो जाएगा। पुल के थ्रू आप ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डोर भी खोल सकते हैं। प्लकिंग द स्ट्रिंग, गिटार, गिटार में देखे वो स्ट्रिंग होता है, उसको ऐसे पकड़ के छोड़ो तो वो भी पुलिंग है। ओपनिंग ए ड्रॉयर मतलब फ्रिज व्रिज का खोलते हैं हम लोग, वो पुल करते हैं। पुल और पुश तुम लोग को पता है कि नहीं, पुल और पुश धक्का लगाना। पता है ना, तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। व्हेन बैलेंस फोर्स आर अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट देयर विल बी नो नेट इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स डू नॉट काउज ए चेंज इन द मोशन। मतलब क्या होता है ना कि मतलब ये आपका 10 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, इसको आप इधर मूव करवाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बॉडी है वो भी इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा दे रहा है, तो क्या होगा, बॉडी का कोई मूव नहीं करेगा, एक दूसरे पे वो लगा दिया, वो दोनों बैलेंस हो गया। जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका वेट कितना है, 10 kg है, तो इसका वेट नीचे की ओर लगेगा, समझ गया ना। तो एक नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस करते रहता है, जिसको एन से डिनोट करते हैं। आगे चल के सब पढ़ोगे कि डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एम जी। डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, वेट, एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू 9.8 होता है, या उसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इसका वैल्यू। तो
ये इसको W को कौन मैनेज कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन N, यानी कि N इज इक्वल टू भी हम लोग एम जी लिख सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर की तरफ लग रहा है। तो समझे ना, बैलेंस फोर्स कैसे होता है, अनबैलेंस कैसे होगा, अनबैलेंस तब होगा जब 10 न्यूटन का फोर्स उधर से आ रहा है, आप 2 न्यूटन लगा रहे हैं तो आप अनबैलेंस हो जाएंगे। उसके कारण क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स के कारण उसका स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो सकता है। इट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विद द हाइएस्ट मैग्नीट्यूड। अगर ये चीज खड़ा है 10 न्यूटन का और तुम इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको ठेल दिया आगे की तरफ, तो ये बढ़ जाएगा ना आगे की तरफ। नेक्स्ट देखिए, यहां पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, ऊपर वाला बैलेंस फोर्स है और नीचे वाला क्या है, अनबैलेंस फोर्स। इधर 400 न्यूटन अब हो जा रहा है, इधर 300 न्यूटन, तो ये सब इधर की ओर खींचा जाएगा और इधर दोनों बराबरी पर चल रहा है मैच। तो फिगर से समझ गए बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। देखिए अब नेट फोर्स है, वेन मल्टीपल फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी दे कैन रिजोल्व इन टू द वन कंपोनेंट नोइंग द नेट फोर्स। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ना कि इधर की डायरेक्शन की ओर 5 न्यूटन और 5 न्यूटन, टोटल 10 न्यूटन लग रहा है, और इधर की ओर 7 न्यूटन लग रहा है। तो जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स होगा, एफ नेट को, मतलब नेट फोर्स को हम लोग रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं। उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 में से 7 घटा दीजिए, 3, 3 के बराबर हो जाएगा उसका, 3 न्यूटन के बराबर एफ नेट का वैल्यू। यहाँ दिया है ना एफ नेट का वैल्यू, F1 और F2 मिल के फोर्स लगा रहा है तो 10 न्यूटन हो रहा है, F3 अकेले 7 न्यूटन का लगा रहा है तो खिंचाएगा तो ऑब्जेक्ट F1 और F2 के साइड ही, लेकिन कितना से, 3 न्यूटन से। तो समझे ना एफ नेट कैसे निकालते हैं, नेट फोर्स। समझ गए, तो चलिए नेक्स्ट आपका आ गया फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन क्या होता है, द फोर्स डेट अपोज द रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इट अराइज बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टेक्ट। जैसे कि ये कॉन्टेक्ट का सरफेस है, ठीक है ना, अब इस पे कोई चीज अगर मूव करवाओगे तो क्या होगा, सरफेस सरफेस टकराएगा, तो क्या होगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट इधर की ओर जाना चाहेगा, लेकिन ये फोर्स हमको क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि फ्रिक्शन है यहाँ पे, है उससे ज्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट वो मूव नहीं कर पाएगा। समझ गए ना, वो क्या करता है, फ्रिक्शन अपोज करता है मोशन को। समझ गए, एग्जाम्पल व्हेन वी ट्राई टू पुश ए टेबल इट डज नॉट मूव बिकॉज इट बैलेंस बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। जब तक फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर, ये मान लो कि फ्रिक्शनल फोर्स है और ये जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो, जब तक ये दोनों बराबर रहेगा ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू अगर ज्यादा रहेगा तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा तुम अगर फोर्स लगा दिए तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। जैसे कि देखिए, मोशन इधर की ओर है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। समझ गए ना, किसी चीज को धक्का देके इधर की ओर ठेले तो इधर की ओर वो मोशन करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये सब फिगर बना सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखा हुआ है, समझे ना। चलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ए बॉडी इज कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन द स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। द फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है कि अगर कोई चीज रेस्ट में है, रेस्ट मतलब क्या है, कार खड़ा है तो खड़ा ही रहना चाहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल आप जाके फोर्स नहीं लगाइएगा, या तो उसको हिलाइए डुलाइएगा या उसको स्टार्ट करके आगे की ओर बढ़ाइएगा, जब तक वो खड़ा रहेगा। या कार चल रहा है तो उसको जब तक ब्रेक नहीं लगाओगे तो वो रुकेगा भी नहीं। उसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट, बॉल कहीं पे, फुटबॉल यहाँ पे देख रहे हो,
जहां पे फुटबॉल रखा हुआ है, तो ये रेस्ट में है, जब तक इसको पैर से धक्का नहीं दोगे वो कैसे अपने स्थान से हिले डुलेगा, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए, समझे ना। तो यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए, और यदि मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। इसको लॉ ऑफ इनर्सिया भी बोलते हैं, समझ गए। चलिए अब इनर्सिया होता क्या है। बेसिकली ऑल ऑब्जेक्ट हैव टेंडेंसी टू रेसिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, मतलब कोई भी चीज का, मतलब हम लोग भी हैं अभी जहां पे खड़े हैं वहां अपने आप पे अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो नहीं उठ पाएंगे, कलम से लिखने में भी फोर्स लग रहा है। तो हर एक ऑब्जेक्ट का अपना टेंडेंसी होता है कि वो अपोज करे जो चेंज होना चाहता है, और वही थोड़ा सा फोर्स, तो यही टेंडेंसी क्या कहलाता है, एनर्सिया कहलाता है। कि अगर कोई गिलास का कप उठा रहे हैं तो कप नहीं चाहेगा कि हम उठे, लेकिन क्या हो रहा है कि कप का फोर्स आपके फोर्स से कम है, इस कारण आप कप को उठा के चाय को पी ले रहे हैं, समझे कि नहीं। लेकिन यदि समझ गए ना, एनर्सिया ऑफ रेस्ट मोर एनर्सिया वाइस वर्सा मोर मोर द मासेस, मतलब सिंपल है, एनर्सिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एनर्सिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा, वेट होगा, उतना ज्यादा उस पर एनर्सिया काम करेगा, वो उतना जल्दी, अब पहाड़ को उठाने जाओगे तो उठेगा नहीं ना, उठेगा। एनर्सिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज स्टे एट रेस्ट, कोई चीज अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, ये ही कहलाता है एनर्सिया ऑफ रेस्ट, एंड इट रिमेन्स एट रेस्ट अंटिल द एक्सटर्नल फोर्स अफेक्ट इट, मतलब जब तक उस पर बाहरी कोई फोर्स नहीं लगाइएगा वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। एग्जाम्पल, वेन ए कार एक्सेलरेट पैसेंजर में फील एज थ्रू दियर बॉडीज आर मूविंग बैकवर्ड, जब कार में हम लोग पहला बार बैठते हैं और कार आगे की तरफ खुलती है तो हम लोग पीछे की ओर फेंकाते हैं, थोड़ा बहुत ऐसा फील करोगे, तो क्या हो रहा है, एनर्जिया ऑफ रेस्ट के कारण। इन रियलिटी इनर्सिया इज मेकिंग दियर बॉडी स्टे इन द प्लेस एज द कार मूव फॉरवर्ड, हम लोग का जो बॉडी होता है कार में बैठे हुए होते हैं तो वो इनर्सिया रेस्ट में है, लेकिन कार मोशन में आ गया, इसी कारण हम लोग पीछे की ओर ढकलाते हैं। इनर्सिया ऑफ मोशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू, अब सिम इसका उल्टा हो जाएगा इनर्सिया ऑफ मोशन, अब कोई बॉडी चल रहा है तो वो चलता हुआ रहेगा जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। अब सिंपल सा चीज है, अब कोई कार चल रहा है, बस चल रहा है, और तुम उस पर उतरोगे तो क्या पीछे की ओर फेंकाओगे, क्यों फेंकाओगे, क्योंकि तुम्हारा बॉडी भी अब कार के साथ मोशन में था और तुम नीचे उतरना चाहते हो, इस कारण कभी भी चलता हुआ बस ट्रक कोई सी चीज से उतरिए तो आगे में है, दौड़ के उतरिए, तो ये इनर्सिया ऑफ मोशन है। देखिए अब इनर्सिया का क्या एग्जाम्पल है, ये था, ये रेस्ट में है, इसको आसानी से इसको समझ लो कि झूला झूल रहा है कोई, तो इसको आराम से ठेला हिलाया जा सकता है, लेकिन इसमें बालू भर दोगे तो मोर डिफिकल्ट होगा उसको पुश करना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्चुअल में इनर्सिया से ही रिलेटेड है, समझ गए ना। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझने से पहले ये बोल रहा है कि पहले मोमेंटम को समझिए, मोमेंटम क्या होता है, पी इक्वल टू एम वी को मोमेंटम बोलते हैं, लिख लो, पी से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम को, एम से क्या है, मास और वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे पढ़िए, इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाई ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन दियर मास एंड वेलोसिटी, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइन एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, बताइए कि पी इक्वल टू क्या होता है, एम वी, प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन को प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो किसका किसका प्रोडक्ट है, मास और वेलोसिटी का, समझ गए। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, देखो दो तरह का क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है,
समझ गए मोमेंटम। जैसे कि मोमेंटम का एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि कोई बल्ब को तुम बॉल को जो क्रिकेट का बॉल है उसको जोर से फेंकते हो, तो उसका वेलोसिटी और मास क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, और वही तुम पे इफेक्ट करेगा तो चोट लगेगा उसको कैच लोगे तो। ये बेस बॉल का एग्जाम्पल दिया है। बुलेट को फायर करते हैं गन से तो क्या होता, बुलेट का मास और वेलोसिटी दोनों मिलकर उसका मोमेंटम बढ़ाता और तेजी से वो हम लोग के बॉडी पे स्ट्राइक करता है, समझे ना। चलिए मोमेंटम हो गया, तो अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आइए, क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। समझ गए, देखिए एक्चुअल में क्या है ना कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, हमको ये वाला फॉर्मूला मिलता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, जो फोर्स का होता है ना बेसिक फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्चुअल में वो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही मिलता है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मान लो कि कोई बॉडी है वो पहले P1 पॉइंट पे है, फिर बाद में चल गया P2, उसका मोमेंटम T1 टाइम पे P1 है और T2 टाइम पे P2 हो गया, तो दोनों में डिफरेंस हुआ कितना, P1 माइनस P2 का डिफरेंस हुआ, या जो ज्यादा रहे उसमें से कम का कर देना, ठीक है। P2 माइनस P1 भी हो सकता है, P1 माइनस P2 भी हो सकता है यहाँ पे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी क्या है, रेट ऑफ चेंज, कोई भी चीज का अगर रेट ऑफ चेंज निकालेगा ना टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको ऐसे ही लिखना है, नीचे में टी आएगा, डेल्टा पी बाई टी, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, जो ट्रेंगल बना हुआ है उसको डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा पी बाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। तो अप्लाई अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, एम और वी माइनस यू बाई टी, एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देख रहे हो ना, एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया, डेल्टा डेल्टा पी बाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू बाई टी। अब देखिए डेल्टा पी बाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, ये वी माइनस यू बाई टी किसके बराबर है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस यू बाई टी, वी आपका क्या है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, यू क्या क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या है आपका टाइम टेकन। ये सब चीज कभी पढ़े हो, बताओ जल्दी, ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी कि नहीं पढ़े हो, ऊपर ही है। चलिए तो जब पढ़े हैं तो समझ में आ गया, तो यहां से क्या रहा है, डेल्टा पी बाई टी को क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू बाई टी। अब क्या हो रहा है, डेल्टा पी बाई टी डायरेक्टली पर एम को एम छोड़ दिए, वी माइनस यू बाई टी की जगह पे ए पुट कर दिए, ठीक है। और ये रेट ऑफ क्या है, एक्चुअल में ये रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम है वो फोर्स के बराबर होता है, समझ गए, फोर्स, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, तो एफ को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ इज इक्वल टू के एम ए, के यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट का यूज किया गया है, के यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है, के का वैल्यू अगर पुट कर दोगे 1 यूनिट तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम ए। एक्चुअल में एम ए क्या है, फोर्स का फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या मिलता है, एफ इज इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला मिलता है, समझ में आ गया, तो इसको बनाओ, 1 मिनट का टाइम है, इसको जल्दी से इसको बनाइए, प्रूव कीजिए फॉर्मूला को, इसको पूरा लाइन बाय लाइन उतारो, चलो यहां से लेके ये वाला लाइन खाली नहीं उतारना है, चलिए यहां तक सेकेंड लॉ ऑफ मोशन टॉपिक डाल देना,
हो गया। चलिए 1 मिनट और मिल रहा है सामने। क्वेश्चन भेज दो मैथ का। देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स चूजन फॉर एनालिसिस इज कॉल्ड ए सिस्टम। एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल ए कार मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कैन बी कंसिडर्ड एज सिस्टम। ऑल द फोर्सेस विथ इन द कार इंटरनल फोर्सेस एंड ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार फ्रॉम द एनवायरमेंट आर एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है। तो सिस्टम क्या होता है, कार जैसे कि चल रहा है ना, कार चल रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ, वो सिस्टम की तरह एक्ट कर रहा है और उसके अंदर और बाहर से बहुत सारे फोर्सेस उस पर एक्ट कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखिए क्या होता है। देखो कोई भी चीज का कंजर्वेशन क्या होता है, देखिए कोई चीज जैसे इसका फॉर्मूला क्या जानते हो, पी इक्वल टू क्या जानते हो, एम वी। तो जो एम वन वी वन होगा वो एम टू वी टू के बराबर होगा, यानी कि पहले जो उसका मोमेंटम था वो बाद में भी वही मोमेंटम रह जाएगा। चेंज क्या होगा, मास तो किसी चीज का जल्दी चेंज हो नहीं सकता है, तो वेलोसिटी पहले कुछ ना कुछ इसमें बैलेंस किए हुए रहेगा, समझ गए ना। किसी का मास भरेगा तो इधर वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू, मतलब पहले जितना मोमेंटम था बाद में भी उतना ही मोमेंटम होना चाहिए, तब इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, द टोटल मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं, देखिए आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं, आइसोलेटेड आइसोलेटेड उस सिस्टम को बोलते हैं जिससे इन्वायरमेंट से न हीट ले सकता है न हीट इन्वायरमेंट को दे सकता है। इस तरह के चीज को क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे कि थर्माकोल, थर्माकोल क्या है, थर्माकोल थर्मस हम लोग के घर में रहता है, वो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो आइसोलेटेड सिस्टम नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम वैसे सिस्टम को बोलेंगे, एक और इसमें बता दिया, जिसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे जीरो होना चाहिए। मतलब ये ऐसा दुनिया में कोई चीज होता नहीं है, सब एजम्पशन है, मतलब ये कोई चीज है ना, इस पे बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। एग्जाम्पल कोलिजन ऑफ टू बॉल ए और बी, जैसे कि ये बल्ब था, ए था, ये बल्ब था, बी था, ये दोनों आपस में टकराया, समझ गए ना। तो कोलिजन हुआ, कोलिजन हुआ ना, तो क्या होगा, टकराने के बाद हो सकता है कि इस ए का था एम वन वी वन, मास ए वन और स्पीड इसका वी वन था, और इसका बी का था एम टू वी टू था, मास इसका एम टू था और इसका वेलोसिटी वी टू था। टकराने के बाद मास तो चेंज होगा नहीं, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा दोनों को, लेकिन अगर करिएगा तो वो बराबर लिखाएगा, समझ गए ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंपॉर्टेंट है। अब देखिए न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे दिया हुआ है, तो एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट रिएक्शन, कोई भी एक्शन का अपोजिट क्या होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है। ये दीवार है, इधर तुम प्लस एफ न्यूटन का फोर्स लगाए हो, तो दीवार तुम पे क्या लगाएगा, माइनस एफ न्यूटन का फोर्स लगाएगा, समझ गए। तुमको भी चोट उतना ही जोर से लगेगा दीवार पे जितना मुक्का मारोगे, तो समझ गए ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे दिया हुआ है। एफ जैसे कि ये है ना, इधर इस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगा रहे हो, तो वो तुम पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा माइनस एफ। तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसका स्टेटमेंट क्या होगा न्यूटन थर्ड लॉ का, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड
अपोजिट रिएक्शन, समझ गए? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही है न्यूटन का थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट एंड एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, कैसे है? अब एक्शन इधर की ओर मोशन, तो फ्रिक्शन इधर की ओर उसका रिएक्शन, समझ गए? तो ये भी है। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे बुलेट, पिस्टल से बुलेट निकलता है आगे, तो हाथ को इतना मजबूती से रखना पड़ता है, नहीं तो इतना झटका मारेगा ना कि ये वाला चीज आपके मुंह पे लग सकता है जाके, पीछे की ओर इसको ढकेलता है, समझ गए? एक्शन का रिएक्शन, देखिए हम लोग चल पा रहे हैं, समझ गए ना? इसको ठेल रहे हैं जमीन को अपने, तो चल पा रहे हैं हम लोग, समझ गए ना? तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? एक्शन का रिएक्शन का एग्जाम, मतलब न्यूटन थर्ड लॉ का। देखो अभी बच्चा क्या करेगा, बच्चा उछल के यहाँ पे आ रहा है और पैर से नाव को ठेल रहा है, तो क्या ये आगे की तरफ आया और नाव पीछे की तरफ गया, तो एक्शन का रिएक्शन, बॉयज फीट एग्जर्ट फोर्स ऑन बोट, बोट पे अपना पैर पे फोर्स लगा के और फान गया, बोट एग्जर्ट फोर्स ऑन फीट, तो बोट इस पे ताकत दिया और इसी से इधर बाहर आ गया, तो ये एक्शन रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ। इनर्शिया एंड नॉन इनर्शिया फ्रेम, ए नॉन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन लॉ ऑफ मोशन डू नॉट होल्ड, मतलब जहां पे न्यूटन का फोर्स अप्लीकेबल है उसको इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे, और जहां पे अप्लीकेबल नहीं है उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे। ठीक है, ए नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज अंडर गोइंग एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, इन एक्सेलरोमीटर एट रेस्ट इन नॉन इनर्शियल फ्रेम विल इन जनरल डिटेक्ट ए नॉन जीरो एक्सेलरेशन, ए फ्रेम इज रेफरेंस वेयर द न्यूटन होल्ड नॉन इज इनर्शियल फ्रेम ऑपरेशन। तो सिंपल सा चीज इसको जानिए कि जहां पे न्यूटन का लॉ अप्लीकेबल है उसको क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जहां पे अप्लीकेबल नहीं है उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे, समझ गए? अब वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, कोई बॉडी है तो उसका मास नीचे की ओर mg लग रहा है, तो ऊपर की ओर ये इसको किसी चीज से बांध के लटकाए हुए हैं तो टेंशन टी लग रहा है, इधर की ओर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, समझ गए ना? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो ये सब फ्री बॉडी डायग्राम इसको बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, इस तरह के चीज न्यूमेरिकल आएगा तो ये सब चीजों का चर्चा किया जाएगा। जैसे कि अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, इसका इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हम रखे हैं डाउनलोड करके, आते हैं उस पर। देखिए ये सब वेरी शॉर्ट आंसर वाला है, जैसे कि पहला देखो, ए बैट्समैन हिट ए क्रिकेट बॉल विच देन रोल ऑन द लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट द बॉल सो टू ए स्टॉप बिकॉज द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द बॉल, देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। अभी पढ़े थे ना, जैसे गेंद रुक क्यों गया, बॉल कम टू रेस्ट कुछ देर के बाद, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि बॉल जा रहा है तो वहां पे फ्रिक्शन लग रहा है जो अपोज कर रहा है उसके मोशन का, तो इसी कारण क्या हो रहा है, बॉल रुक जा रहा है। तो इसका पहला का आंसर क्या होगा, सी, समझ गए ना?
मोमेंटम का पूछ रहा है फॉर्मूला, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है एम वी, अभी पढ़े हैं पी इक्वल टू क्या है एम वी, समझ गया, मोमेंटम का यूनिट पूछेगा, तो यूनिट मास को किस में लेते हैं, मास को ग्राम में ले लो और वेलोसिटी को किस में ले लो, मीटर पर सेकंड में ले लो, ग्राम मीटर पर सेकंड, ये भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन हम भेज देंगे तुम लोग को, अपना ट्राई करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूछ ही दिया यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई का मतलब क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम, तो इंटरनेशनल सिस्टम में देखिए क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में लेंथ को, किसी चीज का लेंथ जो है वो हम लोग मापेंगे मीटर में, टाइम को किस चीज में नापेंगे सेकेंड में, और जो वेट है उसको किस चीज में नापना है केजी में, समझ गए ना। तो यहाँ पे मोमेंटम में क्या रहा था, पी इक्वल टू एम भी, तो मास को किस में मापना है केजी में, और वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना जी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो केजी का केजी, डिस्प्लेसमेंट को किस में मापते हैं हम लोग, मीटर में, और डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का लेंथ ही होता है तो मीटर में, और टाइम को टी नापते हैं, तो केजी एम और टाइम को किस में, सेकेंड में, तो एस का पावर -1, तो केजी मीटर पर सेकेंड, समझे ना कैसे इसका एसआई यूनिट निकालते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम वाला यूनिट। व्हाट इज द न्यूमेरिकल फॉर्मूला फॉर फोर्स, तो एफ इक्वल टू एम है, ये सब तो एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन लग रहा है कि एकाध सौ। इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो देन द फोर्स एक्टिंग इज, अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू इक्वल टू जीरो, किसी भी चीज का इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो वो क्या है, मतलब जीरो है तो बॉडी चल रहा है, एक्सेलरेशन में है, समझ गए ना। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए, मास को भी हम बताए हैं ना केजी में, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए ये जो नीचे लिखा हुआ है आपका है ना, केजी मीटर और नीचे क्या है सेकंड स्क्वायर, इसी चीज को हम लोग दो तीन तरीका से लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक और इसका लिखने का तरीका है केजी मीटर सेकंड का पावर -2, तो ये हो गया, तीन तीन तरीका से इस चीज को लिखा जा सकता है, तो ये सब तुम लोग बनाते चलो। देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ये सब तो एकदम देखो मारो हो गया, समझ गए ना, आगे चल के स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह होता है 11th 12th में एडमिशन लोगे तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्हाट लॉ एक्सप्लेन स्विमिंग, स्विमिंग में कौन सा लॉ लग रहा है, तो स्विमिंग में हम लोग आगे बढ़ते हैं तैर तैर के, तो फोर्स पीछे लगता है ना, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार स्विमिंग होता है, सब याद कर लीजिए, वेट डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है एम जी, तो मास को किस में केजी में, और जी एक प्रकार का एक्सेलरेशन ही है, तो एसआई यूनिट न्यूटन ही ले लिया है, जैसे फोर्स का क्या होता है, फोर्स का एम ए, और वेट का एम जी, तो जी एक्चुअल में है क्या, जी एक्सेलरेशन ही है ड्यू टू ग्रेविटी, इस कारण देख रहे हो ना जी एक्चुअल में एक्सेलरेशन ही है, तो ये भी तो एम ए हो गया, तो दोनों का न्यूटन 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 होगा, समझ गए ना, यूनिट न्यूटन न्यूटन कहो या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहो, दोनों, समझ गए। तो इसको हम भेज दे रहे हैं अभी व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आंसर को, और दोनों को अभी देखिए भेज ही देते हैं। इस क्वेश्चन आंसर तुम लोग करोगे, इसका बहुत सारा क्वेश्चन है, और जो नहीं आएगा सिर्फ उसी का डिस्कशन कल करेंगे।
वाला भी नोट्स भेज देते हैं भाई। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या था जी? तुम्हारा कुछ क्वेश्चन रह गया है? देखो अब क्यूब है ना भाई, तो 12 सेंटीमीटर का है, 8 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम, तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लो ना। क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, तो 12 × 12 × 12 इसका टोटल वॉल्यूम पहले निकालो, समझ गए ना? और कितना आ जाएगा, 144, 144 में 12 से फिर मल्टीप्लाई करो, 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 288, 144, 8 8 4 12 की 2, बाकी हाथ में 1, 4 6 1 7 और 1, 1700 कितना आ रहा है, 1728 आ रहा है, 1728। इसको 8 से डिवाइड करो, 8 दूनी 16, एक बार में 8 छक 48, 216।